नहीं भाई ये पॉसिबल है। तो अजय जी अपनी चिकनी टांगों को बाइक पर चीरते हुए आ सकते हैं, तो छपरी कोई गेट से मिल सकता है, तब इस टकले का सॉन्ग वायरल हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। वो सब छोड़ो, पर वैसे अजय जी की टांगों में दर्द नहीं होता ऐसे चौड़ा के आते हैं? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। सल्लू भाई ये क्या है, ये क्या है? सल्लू भाई को मैंने तब भी देखा मूवीज में स्लो मोशन में टी शर्ट फाटते हुए देखा है, नहीं तो गुस्से में नाक फुलाते हुए, और इस सीन में तो लॉजिक को गोलियों से छल्ली छल्ली करके मारा है यार। सल्लू भाई एक ट्रेन से डायरेक्ट दूसरी ट्रेन पे, वो भी ट्रेन के अंदर नहीं उसकी छत पर, फिर उस ट्रेन से डायरेक्ट पुल पर। अबे राइटर कम से कम सल्लू भाई की मूवीज में तो लॉजिक दे दे, वैसे भी उनकी जिंदगी में बहुत दुख दर्द चल रहा है। ऐश्वर्या जी और कैटरीना जी, पता नहीं सल्लू भाई को किस बात की जल्दी थी, ऐश्वर्या जी को तो अभिषेक जी ले गए। नहीं आओगी ना स्वार्थ, राम, स्वार्थी हो तुम तो। राम चलो, भाई इन लोगों ने लॉजिक को मारा नहीं है, उसे दफना के उसके ऊपर से गोलियां चला रहे हैं लोग। पहले भाई साहब लड़की के सामने कूल बनने के लिए दो चार गुंडों को पीट देते हैं, फिर भाई मेन विलन आके भाई साहब को गोली मार देता है, फिर इन भाई साहब जी को लेके वो अपने घर चला जाता है, फिर ये घर से भागने की कोशिश करता है तो विलन जी फिर इसको दो गोली मार देते हैं, पर ये बंदा अभी भी जिंदा है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। अबे ये लड़की पागल है क्या, उसे नीचे ले जाने की जगह है उसे ऊपर ले गई है, और इसे पता है इसके साथ वाले की कुछ चंद सांसें ही बची हैं, और फिर भी उसे लेके कूद गई। गुड्डी बिटिया ये क्या कह रहा है, और भैया जी का यहाँ पे फिर से आदि मानव रूप बाहर आ गया, भाई उसे फिर से बचा रहे हैं, मतलब खुद की जिंदगी घंटे लगे हुए हैं, पर हीरोपंती रुकनी ही चाहिए। क्या करूं यार, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं। यही नहीं हाथ तो तभी हो गई, भाई अब तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब इतना होने के बाद भी बंदा जिंदा खड़ा है, हाँ कैसे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लॉजिक को मार दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। अरे हमारे पड़ोस में किसी को कुत्ता काट ले वो 10 दिन तक पट्टियां लगा के घूमता है, और ये बंदा भाई लिटरली गोली इसको लगी, छत से ये गिरा, कार से ये उड़ा, फिर भी शरीर पे कहीं चोट के निशान नहीं है ना कहीं पट्टी है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक। लॉजिक कहता है अगर तुम किसी को घुमा के गुस्सा मारते हो तो पक्का उसे चोट लगेगी, और लॉजिक ये भी कहता है अगर किसी को तुम दीवार में फेंक के मारते हो तो उसको डेफिनेटली चोट लगेगी। पर ये बात हमारी बॉलीवुड वाले कहाँ जानते हैं, तब से ये दोनों एक दूसरे को कोई दीवार में मार रहा है, कोई उड़ा के मार रहा है, इतनी देर से मारने लग रहे हैं पर चोट एक के भी नहीं लगी, खून किसी के नहीं निकला है, और मार भी कैसे रहे हैं, जाने मूवी नहीं जाने निंजा टेक्निक हो गई है। तो पहले दोनों नीचे लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते जाने छत पर पहुंच गए, और छत पर पहुंचते ही उसने दीवार को ऐसे तोड़ा है कि वापस से फिर से घर में आ गया, और ये लोग लड़ नहीं रहे हैं एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। भाई वो मारता कम है उड़ता ज्यादा है, यहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं ये लोग, भाई बुलेट की तो पता नहीं, पर बॉलीवुड वाले लॉजिक प्रूफ होते हैं। लॉजिक का क्या है, लॉजिक क्या है, तेल लेने।
भाई ये सब तो ठीक है, पर ये दोनों नीचे ऐसे कैसे आ रहे हैं? फाइटिंग सीन को रोमांटिक सीन बना दिया यार। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।